मुरादाबाद में भाईचारा बचाओ सम्मेलन मौसम पैलेस में आयोजित किया गया, जहां पर सभी ने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी भाईचारा कमेटी बनाने की बात कही, जिस पर सभी ने अपनी राय रखी। इस भाईचारा बचाओ सम्मेलन में मुरादाबाद पहुंची कानपुर की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण पूरे प्रदेश में भाईचारा खतरे में है और बुलडोजर जैसी राजनीति के साथ प्रदेश में लोगों के दिलों में डर बैठाने का काम किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम भाईचारे को बचाएं और समाज को एकजुट करने का काम करें। पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भाईचारा कमेटी बनाई जाएगी, जहां पर बुद्धिजीवियों को उसमें जगह दी जाएगी। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों या फिर किसी भी सामाजिक संस्था के, हम सब मिलकर समाज को बचाने का काम करेंगे और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देंगे। यही इस भाईचारा बचाओ सम्मेलन का उद्देश्य है। मुरादाबाद के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में ये भाईचारा बचाओ समिति बनाई जा रही है, जिसमें लगातार हमें सफलता भी मिल रही है। आज सम्मेलन के बाद भाईचारा बचाओ कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी को सदस्य भी बनाया जाएगा। इस दौरान सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, देखिए मुरादाबाद में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ है भाईचारा सम्मेलन, तो उसी में अपनी बात रखने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से देश के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने और लोगों में आपस में नफरत फैलाने में बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है और ये योजना के तहत हो रही है। हमारा ये मानना है कि हमारे देश पे राज जिनका चल रहा है वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल देश के गरीबों और देश के लोगों के हित के खिलाफ है। जैसे कि रेल को मतलब प्राइवेट करना, LIC के शेयर को बेचना, तमाम कारखानों को प्राइवेट कर देना, तमाम देश के संसाधन को प्राइवेट हाथों में देना, बेरोजगारों के लिए कुछ भी न करना, भर्ती को बिल्कुल बंद कर देना, महंगाई आज चरम सीमा पर है और मतलब सरकार ऐसी नीतियां ला रही है कि और बढ़े। अभी कुछ दिन पहले विदेश में हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारे देश की भूख का हमने इंतज़ाम कर दिया, अब हम दुनिया की भूख अपने गेहूं को भेज करके मिटाएंगे, और गेहूं का दाम इतना बढ़ गया, गेहूं का दाम बाज़ार में इतना बढ़ गया, राशन में उसकी कमी आ गई, तो उनको अब कहना पड़ गया कि नहीं अब हम नहीं निर्यात करेंगे। तो ये जो उनकी सारी नीतियाँ हैं इनके ऊपर पर्दा डालने के लिए वो लोगों को कहीं काशी तो कहीं मथुरा तो कहीं आगरा की सैर करा रहे हैं, ताकि नफरत बढ़े, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़े, डर बढ़े। और ये जो बुलडोज़र की नीति उन्होंने अपनाई है, इससे लोगों को आतंकित करने का काम और गरीबों को आतंकित करने का काम वो कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ़ हम लोग चाहते हैं कि आम जनता इनके मंशा को और इनके मकसद को समझे कि ये एक तरफ आर्थिक तौर पर इस देश को बिल्कुल खोखला बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से सामाजिक रीति रिवाज बहुत पुराने ज़माने की एक बार फिर से लागू करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। तो ये जनता को समझना होगा और इनके इस आपस में बांटने की नीतियों के खिलाफ बोलना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। एकता के आधार पे ही ये देश बन सकता है और बढ़ सकता है, यही हमारा संदेश है। आपको इस पे मुहिम शुरू करेंगी या जी करेंगी? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर मुरादाबाद में भी एक भाईचारा समिति बने, उसमें अलग अलग जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो अमन चैन के लिए काम करते हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों के भी हो सकते हैं, लेकिन समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस समिति में शामिल करके हम लोग चाहते हैं कि मुरादाबाद में भाईचारा को बरकरार रखने के लिए ये समिति लगातार आगे काम करे। मुरादाबाद के अलावा भी और जिलों नहीं, और जिलों में भी कर रहे हैं। अभी हमारे पूरे पश्चिम का भी एक सम्मेलन होने जा रहा है, एक कमेटी बनाई जाएगी मेरठ में, और पश्चिम के हर ज़िले में इस तरह के और इससे बड़े सम्मेलन होंगे।